Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्ब-ए- हाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज अपनी मतनाज़ा तकरीर के बाद पहली बार हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा। वैसे हद हो गई है, मैं समझता हूँ बड़ा सियाना बियाना बंदा है। ओ पहली मर्तबा का दे ली, मैं हमेशा कीती मतनाज़ा तकरीर है। इस बार तो आपकी हमाकतों और बेवकूफियों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और रिकॉर्ड हले टूटने हैं, पूरी दुनिया आप पे क्रिटिसाइज कर रही है। ला, भी गलत गलत कर देती है, पूरी दुनिया नहीं कर रही तनकीद, भले भी कई ऐसे है जिन्होंने अखा च पर्दा में पाया। हाँ हाँ, कई बंदे हले इज्जत कर दिया मेरी। कबालटियां मेरे अपने मुंडे भी कर दिया, इन्होंने भी पता मुड़ के एडा चमल बंदा लग भी नहीं सकता सर। अमरीका की सिदारत वास्ते हुण इहो ही फैसला होया, चमल तरीन बंदा होना चाहिए। मिस्टर ट्रंप, अफगानिस्तान के हवाले से अमरीकी पॉलिसी वजह करने में जाहिर है आप आजाद हैं, खुद मुख्तार हैं, लेकिन आपके जो सलामती के मुशीर हैं वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। आपको साबिक हुक्मरान अफगानिस्तान का जाहिर शाह उसके दौर की वीडियोस दिखा के आपको ये अहमक बनाया गया है कि थोड़ा सा अगर हम तालिबान को क्रश कर दें, मजीद फौज भेज दें तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। वहां पर रोशन ख्याली दिखाई गई है उन वीडियोज में, पुरानी वीडियोज में। आप बेवकूफ बन गए वो वीडियोज देख के। प्रोग्राम बना ले मैं भी चबल, मगर मशीर मेरे बाकी मेनू कट गए। है को गल करने वाली जानी अमरीका दे सदर नाल चीटिंग होन दई ते किथे सुती है अपनी एनडी एसी आई है। जिन्हें साहब इसको क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी दिखाई जाए उसको, सदर बन गया बस। वो मोटा ने पीछे बैठा, उन्होंने कहता मैंने WWF की कुश्ती दिखा, उन्हें अपने ब्याह की फिल्म ला दी। अच्छा, वो भी देखी जा रहे हैं, बल्कि वो टीवी के हाथ रख के कह रहे हैं यार पहलवान की शक्ल तेरे कितनी मिलती है। पागल हो गया, ओ पामे दी ब्याह दी वीडियो सी पर एदी विच कुश्ती भी सी। ओ कैसे ए असल च गया ना जंज लै के जदो ते सौरे अपने नु कह बैठा, कहिंदा चाची ओ कुड़ी ते तुसी देनी दे हो, मैनू नाल $100 भी दियो, मैं नहीं इंज जाना। इहनू आत्या जिथे भी जांदा ना मंगदा जरूर है। बस सौरा एदा एदे नाल भी तगड़ा सी, ओने स्टेज ते पालिया लम्मिया। अच्छा, इस बात को छोड़े ये बताएं कि आपको अचानक ही अफगान पॉलिसी के हवाले से सूझी क्या? आप तो बड़े जोशो खरोश के साथ कहा करते थे कि मैं अफगानिस्तान से जो बाकी मांदा फौजें हैं वो वापस बुला लूंगा, आपने मजीद फौज भेजने का ऐलान कर दिया। ये मामला आखिर है क्या, आप चाहते क्या है? अग मठी हो फिर बंदा हवा नहीं देता। जड़िया अमरीका असले दैक्ट्रिया लवा बैठे है, फैक्ट्रिया चो असले चक के कच्चिया पेंसिल शॉर्पनर बना लग पी है। असला साडा तो इंज ही बिकना ना, कोई लड़ेगा तो साडा असला खरीदेगा। वो की सियाने कहिंदे आ कि अंडा फिका होवेगा तो कोई निमक मंगेगा ना। आए हाय, की मिसाल दिती यार तेरे सच्चे ने। अजी आऊगा ट्रंपा, ओ फैर खोलो कुत्तियो तुहाडे ते जी लानत ते ते। ओ भाई फैर खोलो, बॉस गोली है ने मुंह ना कर लो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बेटा तू नहीं फैरन करन दे, तू मुंह च पान रखे है। चबले जी ये जिड्डा तेरा मुंह है तेनू ते बम चलाउने चाहिए। मिस्टर ट्रंप, अगर आप ये आग और खून का खेल कब छोड़ेंगे? गाल सुन मेरी पोत, एक काम शुरू जो कर बैठा तो नू कहे बन्ने ते लाउणा ना, इना नसकान करा बैठे हैं उन बगैर नतीजे ही बंद कर दबिए। दस ना जरा
800 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਡਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਚ ਤੇ 2400 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਸਕਾ ਵੀ ਤੋ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ, ਇਤਰਾਫ ਕਰੇ ਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ 124 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੈ, 124 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਤੁਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੱਲੇ ਉਹ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਏਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹਾਵਰਾ ਯਾਰ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਡਾ ਫਿੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲਿਮਕ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਸਾ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ। आपका तो सिर्फ 2400 फौजी हलाक हुए, हमारे यहाँ शहादतों की तादाद 70,000 से ज्यादा है, फौजियों की और सिविलियंस की। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਾਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਖਣਾ ਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਡਾ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿੰਮਤ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਹ ਆਪ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਮਕ ਚਿੱਟਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਲਾ ਲਿਮਕ ਮੰਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਲਿਮਕ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ? ਆਈ ਡੈਮ ਕੇਅਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਤੀ। ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਚ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਲੈਤੀ ਆਂਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਚ ਵਲੈਤੀ ਕਰ ਲਾ, ਦੇਸੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ। ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਅੰਡੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਜਾਹਿਲ ਕੌਮ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੀ ਜਾਹਿਲ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਸਨੇ ਆਪਕੋ ਬਣਾਇਆ ਸਦਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਸਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬੋਲਣ ਦਿਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ, ਪਰਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, 4 ਕੁੱਕੜ ਵਿਕ ਗਏ ਔਰ 8 ਉੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਉੱਡੇ ਨੇ ਮੋਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬੇਈਮਾਨ ਨੀਗਾ। ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ 8 ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਸੀ ਲਿਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਮਰਾਜ ਜਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਕੁੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਡ ਗਏ ਐ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੁੱਕੜ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕੁੱਕੜ 7 ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁੱਕੜ ਏ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਂ ਕੁੱਕੜ ਏ, ਕਾਂ ਕੁੱਕੜ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਸੁਣੇ ਆ, ਕਾਂ ਕੁੱਕੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? آپ جو مرضی کہتے جائیں، آپ کے دور سے 1000 درجے بہتر تھی اس شخص کی افغان پالیسی۔ تو سیدھا کہہ تو اونجی اودنا لڑے ہیں تے مینوں سادنا قد لئی ہیں، حد ہو گئی۔ جد بھی مینوں بلاوندا نال اونوں بلا لیندا تے اوتھوں تریفاں شروع کر دیندا۔ سر بیٹھ جائیں، لوگ گندے انڈے ماریں گے۔ ਜੁਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੰਦੇ ਅੰਡੇ ਮਾਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਸਾਫ ਮਾਰੇ, ਗੰਦਾ ਅੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਚਮਲੇ ਜੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਕੋ ਅੰਡੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜੀ ਸਰ, ਬਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਅਗਲੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਉਧਰ ਮਾਰ ਚਵਲ ਜੀ, ਏਡਾ ਮੇਰਾ ਮਹਾਫਜ਼, ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮਦਾਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਆਪ ਹਮੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਮਦਾਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਮਦਾਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਰਹੇ? ਮਿਲਟਰੀ ਸਪੋਰਟ ਫੰਡ ਮੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇ 90 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਹੇ ਥੇ, ਉਸ ਮੇ ਸੇ ਵੀ ਸਿਰਫ 55 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਆਪਨੇ ਦਿਏ ਹਮੇ। ਆਪ ਹਮਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੇ, ਆਪਣੀ ਏਡ ਦੇਖੇ, ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਸੇ ਆਪ ਹਮੇ ਏਡ ਕੇ ਤਾਨੇ ਦੇ ਰਹੇ? ਜਾਣ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੌਣ ਸੇ ਡਾਲਰ? ਬਾਗੜ ਬਿੱਲੇ ਜੈਸੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਮੇ ਆਪ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਔਰ ਕਰੇ ਜੁਗਤ ਇਸਕੋ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰੂੰ, ਆਪ ਕਰੇ? ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੁਗਤ ਕਰਤਾ, ਸਾਫੀਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਸਾਫੀ ਤੋਂ ਡਰਤਾ ਹੈ। میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، اصل میں ان لوگوں کو جو مصیبت پڑی ہوئی ہے وہ پاک چین دوستی ہے، اس سے یہ ان کو موت پڑی ہوئی ہے، اور کوئی پرابلم نہیں۔ اتھے ذکر نہ کریے، ہو جائے میں تینوں دسیاں، میں پہلے بڑا تپے، کیوں نہ ذکر کروں؟ سٹیٹسٹکس پہ بات کریں، 2009 میں یہ جو باہر نکلے دا پیر ضرور میدنا ہی ہے۔ میری بات سنیں،
2009 में चीन और अमेरिका की जो पाकिस्तान के साथ दो तरफा तिजारत थी वो बिल्कुल बराबर थी, यानी 5 अरब डॉलर। आज आलम ये है कि चीन की और पाकिस्तान की जो तिजारत है उसमें 10 अरब डॉलर का इजाफा हो गया, यानी 15 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, और इनके साथ हमारी जो तिजारत है वो 5 अरब डॉलर तक। मैंने किस नाम डाए मैंने सारा पता है, कर ली ना वर्तमान में भी सीधा तो चीन में भी सीधा। मेरे हाल क्या चाचा मोदी बह गए इकट्ठे हो गए सिर जोड़ ले आही। तो इधर चीन ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाए हुए हैं, उसका क्या करेंगे आप? की फायदा है भाई, इंडिया भी बड़ा मुल्क, अमेरिका भी बड़ा मुल्क, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलू। अब चीन ने पाकिस्तान ना हाथ मिला लिया ते फिर ओ ही मिसाल हो गई ना जेडी दूजी की उन्होंने दिया। खबरदार साहब आपने अंडे पे नमक डाला तो क्यों ना पावा, नमक भी मेरा अंडा भी मेरा, तू मामा लगना। बॉस आंडा ताड़ा नहीं मुर्गी दा सी। पोते आंडा देन तो पहले दसी दा और तो मैं दे छड़िया हूं मैं की करा। गल उदो करदा जो तो पूरी हो गई होंगी है। इस बारे कहते हैं ना कि सियाने के अपना की होंगे, अपना किसी का आंडा फिका होएगा तो निमक मंगेगा। अच्छा मिस्टर ट्रंप आप चले चीन को भी एक तरफ रहने दे, आपको पता है आज रशिया ने भी पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया है और आपको बुरा भला कहा। चल रशिया ने हिमायत कर दी है तो वो की है, रशिया जो हुन रह की गया बेचारे च। अच्छा तो फिर रशियन लीडर प्यूटन से मिले क्यों थे आप? वो थे उठे आया सी ब्रसल से मैं मिल लिया, और राजा तो बंदा को अगर टक्कर पवे तो फिर बंदा ओ की सियाने कहंदे आ के अपना आंडा फिका होवे तो रोके इसे जने सब रोके इसे प्लीज रोके। सातवीं दफा अंडे पे नमक डाला, मेरा ब्लड प्रेशर तेज हो गया। की तकलीफ है तेनू? उन्होंने अंडे उत्ते नमक पाया, तेरे जख्मा उत्ते नमक नहीं पाया। और तेरे सदके जावा गब्बर जैक्सन गल करके लुट लिया मैनू। अत मैनू लुट लिया ना, हुण मैं अमरीका जाके तेरे खिलाफ परचा दर्ज कराउणा। न्यूयॉर्क दा एसएचओ मेरा बाकव लगा छड़ना तेनू मैं किसे नूं। देखा इसकी हर एक से लगती है, शक्ल चेंज कर दी इसने अमरीका की। हाँ मैं आपको दिखाऊं, हाँ है ना? कैसे दिखाएंगे? ये होने रक्षा चलाऊंगा, दूर न जामी किधरे? इन्हें अमेरिका सारा भाग के तो इन्हें कहना ले आओ भाई 12,000 डॉलर बांट के, और रक्षा उठे चलाऊंगा अमेरिका ते पीछे लाया पाक फौज को सलाम, और CIA ने फाड़ के कुटे आ छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जनैद ये जो ब्रायलर मुर्गा हम अब खाते हैं या है खाते ही सिर्फ हो, देसी तो किसी किसी को मिलता है जिसने अपने घर पाल लिया। हाँ जी। ये ब्रायलर के मुतल्लक हर दूसरे तीसरे चौथे महीने को ऐसा मैसेज फेंकना शुरू हो जाते हैं लोग के एकदम बड़ा सख्त डर लग जाता है। बिल्कुल सही। अभी पिछले दिनों मैं एक मैसेज देख रहा था कि किसी बंदे की कमर पे कितने सारे दाने निकले हुए थे, अल्लाह माफ करे, बड़े अजीब से, और साथ मुर्गा दिखा रहे थे, सेम उसी तरह के दाने उस मुर्गे पे निकले हुए थे। कहते हैं जी ये एक बीमारी है, ये मुर्गे पे आ जाती है, ये मुर्गे का अगर गोश्त खा लें तो फिर आप वही बीमारी उड़ के आपके कांड पे आ जाती है, कमर पे। ये क्या चीज होती है? इसको फौरी तौर पे ये चाहिए किसी वेटनरी डॉक्टरों को या पोल्ट्री वालों को कि इसको क्लियर करें, वरना तो मुर्गे से दिल चढ़ जाता है। सर एक और मैसेज धड़ाधड़ चल रहा है कि मुर्गे होता है ना जहालत का असर, धड़ाधड़ मैसेज चल रहा है। क्या होता है? कहो कि एक मैसेज आजकल वायरल हुआ हुआ। सर एक मैसेज आजकल वायरल हुआ है सर, ये कि इस ब्रायलर मुर्गी में संख्या है। मुझे तो अफसोस होता है कि कई बार हमने अपने शो यार में तुम्हें अफसोस भी हंस के होता है, अफसोस वाला मुंह बना के कर रहे यार मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं इससे भी यार मुझे बड़ा अफसोस होता है, ये क्या हुआ? पढ़े लिखे लोग ना, कॉन्फिडेंस बड़ा अफसोस होता है, ये बात है। तुम एक्टिंग सीख रहे हो, तुम मुकम्मल सीखो यार, मेरी बात इस तरह नहीं लोग पार्ट करते।
मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, मुझे ये बहुत ही अफसोस होता है जब लोग बगैर देखे भाले इस तरह के मैसेज एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। कई बार हमने इस बात का रोना रोया। और पोल्ट्री के हवाले से ये जो तुम कह रहे हो ना कि दूसरे तीसरे महीने, मैंने इस बात पर जरा गौर किया है कि साल के कुछ मखसूस दिन होते हैं जब इस तरह की जो मेलाफाइड कैंपेनिंग है ना, ये की जाती है। इसके पीछे लाजमन कोई कमर्शियल इंटरेस्ट होते हैं जो धड़ाधड़ ये मैसेज जो है वो वायरल कर दिया जाता है। आजकल ये चला हुआ है जी सैंखिया है और कोई बीमारी है। यार कितनी बार साइंसदानों के जरिए, डॉक्टर्स के जरिए, माहिरीन के जरिए, मीडिया के जरिए लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की जाती है। ये पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन वाले लाखों करोड़ों रुपया लगा के हर साल मुख्तलिफ शहरों में अपनी नुमाइशें एक्सपोज मुनाकिद करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, लेकिन फिर वही इस तरह के मैसेज, बेबुनियाद किस्म के मैसेज कि जी सैंखिया है, फलाना है, टमकाना है। ओ खुदा के बंदो, इतनी दफा बताया गया है कि कोई बीमारी भी डायरेक्टली मुर्गी से इंसान तक नहीं पहुंच सकती, और ये मुर्गी के गोश्त में सैंखिया वाली इतनी रिडिकुलस, बेसलेस और लग और बिल्कुल झूठा इल्जाम है कि उसके अंदर सैंखिया आ जाता है। अगर सैंखिया नहीं होता तो वो बेचारा टिल्ला टिल्ला क्यों चलता? ये इस तरह के और भी बहुत सारे इल्जाम ब्रायलर के हवाले से सामने आते हैं, लेकिन पहले ये सैंखिया वाली बात सुन लो। ये कराची से लाहौर और लाहौर से पिशावर तक जिस शहर के तुम पानी की सैंपलिंग करवाओगे ना, उसमें सैंखिया मिलेगा तुम्हें। अब जब आप उस पानी से मुर्गी के गोश्त को धोगे तो इस बात का इम्कान, उसको मतलब रद्द नहीं किया जा सकता कि उसमें भी सैंखिया लग जाए। मिनरल वाटर की बोतल बहुत ज्यादा है। आप पानी बॉयल करके गर्म करके उसको पहले उसको जरासीम से पाक करें, फिर धो लें। दूसरी बात यह है कि जो सड़क किनारे जो नंगा गोश्त मिल रहा होता है, जो जिबा करके उन्होंने रखा होता है, वो लेने से आप गुरेज करें। अच्छा, फिर ब्रायलर के हवाले से एक बड़ी बात अजीब सी की जाती है कि जी इसमें स्टेरॉइड्स हैं, इसमें कोई ना कोई हार्मोन्स दिए जाते हैं, इसलिए ये इतनी जल्दी बड़ा हो जाता है। यानी समझा समझा के लोगों को माहिरीन थक गए हैं कि बाबा ये आधा फीड का कमाल है और आधा इस ब्रीड का कमाल है। अगर आप एक ब्रॉयलर को देसी मुर्गों के साथ जो गंदी वो खुराक खाते हैं, जो नाली के कीड़े भी खा लेते हैं, उनके साथ छोड़ दोगे तो ब्रॉयलर फिर भी जल्दी बड़ा हो जाएगा आम मुर्गी की निस्बत। इसी तरह अगर आप देसी मुर्गियों को ये वाली फीड देंगे जो पोल्ट्री फार्म में दी जाती है, तो फिर भी उन मुर्गियों में जो वजन बढ़ने की शरह है वो आम से ज्यादा दुगनी हो जाएगी। यानी वो फिर कमाल क्या हुआ उस फीड का और उस ब्रीड का। ये कोई हार्मोन्स नहीं होते, कोई स्टेरॉइड्स नहीं होते, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जिसको जाहिल करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है इस बात को समझने की भी उससे ज्यादा जरूरत है कि इस वक्त हमारे मुल्क में पहली बात तो है कि गिजाई किल्लत है। हर शख्स गिजाई किल्लत का शिकार है किसी ना किसी अंदाज में, और सबसे ज्यादा किस चीज की किल्लत है, वो है प्रोटीन। और प्रोटीन सबसे ज्यादा पाकिस्तान की कौम या पूरी दुनिया में कहां से हासिल हो रही है, वो है मुर्गी का गोश्त। 45% हाँ ब्रायलर, ब्रायलर ही रह गया। 45% जो हम प्रोटीन है अपनी वो ब्रॉयलर से हासिल कर रहे हैं, बाकी तीनों चारों चीजें मिला के फिर बनती है। अब तुम देखो कि और ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, 750 अरब रुपए की इंडस्ट्री है। कमोबेश इस वक्त वतन अजीज में 15 लाख लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है। यानी एक अंदाजे के मुताबिक कुछ 125 अरब ब्रॉयलर पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है हर साल। 125 अरब तो हम बेड़ा गर्क कर देते हैं इस तरह की अफवाहें बेबुनियाद किस्म की फैला के। वैसे लोग शको शुबहात में पड़े होते हैं और इनको चाहिए कि क्लियर करते रहे। तुम यकीन मानो मैं जब ना समझ था पर मैंने दानिश्वरी में कदम नहीं था रखा। पिछले मंगल की बात हुई ना यार, पिछले मंगल की क्या मतलब तुम्हारा? पिछले मंगल तुमने भाई जी दानिश्वर हुए, मुझे 9 साल हो गए हुए। पिछले मंगल तुमने दानिश्वरी में बाया पाँव रखा था और दाए ने पीछे से हाथ से कैसे ना करी। एक जमाना मोतरफ है ये कि दानिश्वरी कर, ये देखो किस तरह उसका तमस्करण है। आप तो जाओ जाके पूछो अपने मुल्क के वजीरे उजमा को। अच्छा, ये क्या चीज है ये तुम्हें कोई बता देगा तो मुझे जुतियां मारना। मुझे कोई शौक नहीं जूतियां खाने का, बात करो। ये करने लगे थे कहने में ये लगा था कि मैं उस वक्त ना समझ था तो मैं अपना छोटा चूचा मेरी मुर्गी का था, मैं उसे लेके तो साइकिलों वाली दुकान पे चला गया। अच्छा। बाप बोले को मैंने जाके कहा, मैं कह यार येरा पंप काट के ना दे चूचे जवाब पर। क्या बात है जनाब, खैर है? मैं कह यार इन ब्रायलर बनवाना है।
इतनी देर हम ये भी सोच रहे हैं कि इसमें हवा भरी होती है। ये भी एक बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि जी इसके गोश्त में गजाइयत नहीं है। भाई कैसे गजाई, फिर एक और भी प्रॉब्लम यार, बल्कि ये कहते हैं कि ये खुसरा कुकड़। हाँ, ये भी एक बात कही जाती है कि जनाब ब्रॉयलर ना मुर्गा है ना मुर्गी है, तो क्यों नहीं है? भाई जो पोल्ट्री फार्म्स में ब्रायलर्स होते हैं वो मुर्गों और मुर्गी होते हैं, उनको आप जल्दी जिबा कर देते हैं, वरना वो अंडे भी दें बच्चे भी दें। अजीजी यार, अगर ब्रायलर हिजड़ा हो तो वो तो पकने से पहले ऐसे करे। अरे वो पारा बड़ा होता है बेचारा, उससे ये होता नहीं है। अच्छा, यार स्मार्ट जिस्म का हो तो शायद ऐसे कर भी ले। बात इसकी ठीक है, असल में ये हिजड़ा इसलिए इसे कहा जाता है, जो लोग कहते हैं वो कहते हैं जी इसका ना कोई फायदा है ना नुकसान है खाने का। ये भी गलत बात है यार, ब्रॉयलर मुर्गा जो है वो देसी मुर्गे की निस्बत ज्यादा गजाइयत से भरपूर होता है। अच्छा। इसने ये क्या क्या चीजें खा के बड़ा होता है, इसकी फीड पे कभी गौर करो, ब्रॉयलर की इस फीड में वो चीजें शामिल होती है जो आमतौर पर हमारे यहाँ इंसानों को भी नहीं मिलती। सोयाबीन होता है, मकई, जवार, सनफ्लावर, कैनोला, चावल, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, कौन सी चीजें जो इस ब्रॉयलर को नहीं दी जाती फीड में? यार खान में इतना कुछ मिलता है गोगे तो ब्रॉयलर ही बन जाता। उसका हिस्सा बन जाए, इस तरह के जो मैसेज है वो फॉरवर्ड करते जाए बगैर देखे वाले, हमें और हमारी हुकूमत को भी इस मसले को बहुत सीरियसली एड्रेस करना चाहिए। हम इस हवाले से दुनिया से बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ एक जो शहरी है वो औसतन सालाना 7 किलो मुर्गी का गोश्त खाता है बेचारा, जबकि अमरीकी एक शहरी जो है वो सालाना 150 किलो गोश्त खाता है मुर्गी का सिर्फ। इसी तरह हम हमारे यहाँ एक आम पाकिस्तानी जो है वो सालाना 60 अंडे खाता है, जबकि दुनिया में ये औस जो है वो 350 से तजावज कर चुकी है। बल्ले बल्ले बल्ले, असल में इधर भी ज्यादा खाए, इधर 60 अंडे तो बंदा खाता है ना, 70-80 अंडे असी शायरा नु भी मारने होंगे, 150 अंडा सियासतदान जलसिया च भी इस्तेमाल करते, अंडा हमारा भी उतना ही लगता है। भी डिसाइड करके बता दे कि मुझे कौन सा मुर्गा खाना चाहिए। मेरे ख्याल जो स्कूलों में मास्टरों ने नहीं बनाया होता। नहीं यार, ये मैं तुम्हें बातें कर रहा है, तुम्हें किसने स्कूल वर्ने देने? तुम आराम से मल्ले में भाई लच्छे वाला नहीं आता, खांडा ले लच्छे वो भी कुकड़ बना के दे, तीले पे लगा के देते हैं, वो आराम से बैठ के खाया मीठा कुकड़। इस गुफ्तगु का मकसद सिर्फ ये था कि अगर ब्रॉयलर मुर्गी में या वलायती अंडे में कोई ऐसी चीज हो तो अमेरिका, यूरोप, पूरा जो इतनी तरक्की याफ्ता अकवाम है वो इस तरह इन चीजों को खुलेआम ना होने दे। वो तो इतने मतलब पर्टिकुलर इन चीजों के बारे में इतने सेंसिटिव हैं कि क्या मुमकिन है कि अगर ब्रॉयलर में या इस तरह की चीजों में ऐसी कोई ये कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट्स अगर हो तो क्या उन मुल्कों में वो हुकूमतें इजाजत दे सकती हैं? छोड़ो इन सारी बातों को, सीधा और इसका आसान हल ये है, बल्कि क्लियरेंस जो है उसकी ये है कि कई साल तो अब हो गए, ये कौन सा साल, 1.5 साल हुआ है, कई दहाइयां हो चुकी हैं हमें ये ब्रॉयलर खाते हुए। अल्लाह ना करे इसका कोई नुकसान होना होता तो सामने आ जाता। कई साल खाने के बावजूद अल्लाह के फजल से अगर कोई ऐसी बात सामने नहीं आई तो ये ठीक है, बेहतरीन है। खुराक चूंकि बहुत ज्यादा चाहिए, इंसान बहुत ज्यादा हो गया, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, उसकी खुराक पूरी करने के लिए उन्होंने ये तजर्बात किए और बड़े कामयाब तजर्बात है, ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है, ऐसी कोई बात। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ईद उल अज़हा जो जो करीब आने लगती है, हमें एक शख्स का ख्याल बार बार सताने लगता है, वही शख्स आज मेहमान है हमारे हस्ब-ए-हाल के कटहरे का, यानी एक कसाब। भाई यो तो आपकी बड़ी मेहरबानी है कि याद करते हैं आप हमें, बस यो बता दो कि पौंचा छोटा रखना है या बड़ा, मेरा मतलब है कि बोटी छोटी रखनी है या बड़ी। ये पौंचा छोटा है बड़ा क्यों कह रहे हो? भाई सारा साल तो वही काम करता हूँ दर्जियों का,
बच्चे भी तो पालने हैं ना, जो काम तो तीन दिन का है, ये बड़ी ईद पे ही बस। यही रोना तो सारा साल रोते रहते हैं हम के अताई कसाइयों ने ईद उल अजहा का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। नहीं नहीं अताई नहीं हूँ मैं, वो अताई तो हकीम होता है, कसाई कैसे अताई हो गया भाई। यार जिसको काम नहीं आता, जो प्रोफेशनल कसाब नहीं है, काम क्यों नहीं आता बता, तू इसकी खाल उतार के दिखा दू जो क्या बात हुई, काम नहीं आता, काम आता है तो भाई ऐसे ऐसे कर लेता हूँ। मेरी बात सुनो, लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं जानवरों की खरीदारी पे, तुम उनके जानवरों के गोश्त का सत्यानाश कर देते हो। हजारों रुपए तो बकरे पे खर्च करते हैं, जो हजारों रुपए मुझ पे ना डाल दो, मैं तो वही लेता हूँ, दो तीन हजार रुपए आएगा बकरे का। और दो ढाई हजार तो आप लोग जिबा करने के लिए लेते हो, और दो किलो गोश्त मांग लेते हो, और दो किलो चोरी कर लेते हो। हाँ एक बात याद रखना, चोरी का इल्जाम ना मेरे पे लगाना। करते हो तुम लोग यार? ना भाई, मैं किस लिए करता हूँ, दो किलो पैसे ही मांग के लेने तो दो किलो और भी बंदा मांग ले। यार तुम चोरी करते हो, इतराफ कर लो इस बात। भाई मेरी बात सुन, आपने भी तो बांटना ही होता है ना, अगर कसाई ले जाता है तो उसकी पीड़ किस लिए होती है आप लोग? और जो बेस्ट गोश्त होता है वो लेके जाते हैं ना, तो फिर कसाई किस बात का, अगर उसे यही ना पता हो कि अच्छा कौन सा बुरा कौन सा है। कसाई पैसे भी ले जाए और फिर पूरा लेला भी ले जाए। आराम कर, तू लेले की बात ना कर, तुम्हारा तो अपना कोकड़ के दिल जैसा मुंह है। भाई बात एक मिनट ठहर जाओ यार, क्या कहा है तुमने? ये अनक वाले को कहा कुकड़ के दिल जैसा मुंह है इसका। यार मैं बहुत फजूल आदमी हो यार तुम, वैसे लगता नहीं है तुमने। यार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम इंतहा फजूल आदमी हो। मैं कानून हूँ, हंसानी चाहिए मुझे, लेकिन जुगत पकी है। कानून है तो फिर क्या, हंस खेल, आजकल कानून हंस ही रहा है, जो देख तो सही, वकीलों ने सारा कानून अग्गे लगा दिया। तुम कसाईयों के एंकर हो भाई, नजर तो रखनी चाहिए ना हर तरफ, वैसे भी हाथ में छुरी हो तो फिर नजर जरूर इधर उधर घुमाते रहना चाहिए। सरदी जी, गोश्त तो लेदर ले जाते हैं उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो गोश्त हमारे लिए छोड़ के जाते हैं उसका भी बेड़ा गर्क कर देते हैं, ऊपर से खाल को भी टक लगा देते हैं। ऊपर से लग गया खाल को टक, मैंने दे दर्जी भी हूँ, ऐसा रफू करूंगा पता ही नहीं चलेगा कहाँ से टक लगा हुआ है। यार मेरी बात सुनो, तुम मजाक में बात उड़ा रहे हो, तुम लोगों की इस गफलत की वजह से जो टक लगाते हो ना खालों को बेकार कर देते हो, मुल्की खजाने को 2 अरब रुपए का सालाना नुकसान होता है तुम लोगों की वजह से। कौन सा 2 अरब, 25-30 हजार का टोटल बकरा होता है, 2 अरब रुपए का खसारा कसाई में डाल रहा है को बात करने वाली। मैं तो यही पूछ रहा हूँ, मोटी छोटी रखनी है या बड़ी? भाई मैंने नहीं तुमसे जिबा करवाना लेला। रख खुद करेगा। बहुत बुरी दुलत्ती मारता है किसी को तो बकरा। अच्छा मुझे एक मिनट, एक बात सुनो, एक इल्जाम तुम लोगों पे ये भी है कि तुम्हें जानवर गिराना ही नहीं आता। आम ये पूरा सोशल मीडिया इस तरह की वीडियो से भरा पड़ा है कि आप लोगों ने छुरी फेरी है और जो जानवर है उठ के खड़ा हो गया, भागने लग गया। हाँ। तो इसमें कसाई का क्या कसूर है, ये तो जानवर की बदतमीजी है ना। तुम्हारी महारत नहीं है? रे महारत हमारी है, ये जानवर की जो महारत से भाग गया। आप भी तो महारत से खरीदा करें ना, ऐसा जानवर लेके आए जो आराम से लेट जाए। बदतमीज सा जानवर जो ले आएगा वो तो फिर भाग गई। सर ये तो ईद वाला दिन खराब करके रख देते हैं, एक आदमी 25-25-30-30 घरों से बकरों का ऑर्डर लेता है, बकरों को जिबा करके खाल उतार के चला जाता और कहता है गोश्त आके बनाऊंगा। हाँ। इसी स्नाह में शाम हो जाती है। बिल्कुल हाँ, मेरी बात सुने चल गोजे मियां। मैं वो बंदा नहीं हूँ, मैं गोश्त बना के जाता हूँ। तेरे अगर कसाई ने यो किया तो मुझ पे इल्जाम ना बड़ा। यार हर दूसरा किसाई यही करता पूरा भाई, जो भी तो होता है हर दूसरा बंदा भी तो कह देता है भाई अभी गोश्त ना बनाना, खुश्क होगा तो फिर बनाना, इसी तरह गोश्त बना दिया तो खाया नहीं जाना। ओ भाई वो बात भी ठीक है, लेकिन ये बात भी ठीक कह रहे हैं कि पूरा मोहल्ला तुम लोगों के पीछे पीछे होता है, तुम आगे आगे होते हो। बात इसकी ठीक होगी मगर मुंह इसका ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है, क्या ठीक? भाई जरा गौर से देखो तो सही, चिट्टे चने जैसा मुंह, चिट्टे चने जैसा देख ले, नहीं यकीन तो देख ले। नहीं नहीं वो मुर्गी के दिल वाली ठीक, मुर्गी के दिल यार चिट्टा चना अगर भिगोया ना हो तो इसी तरह खुश्क होता है। देखे यार इधर मेरी तरह देखे। नहीं नहीं यार नहीं नहीं, तो हंसे क्यों? अगर नहीं है तो हंसे क्यों, जो बताओ।
तन्ने लगा खुश्क चना तो फिर सर ये तो इसी तरह का कसाई है, एक घर बह के गोश्त बना दिया तो बंदा लामा लेके आ गया, तू मेरी पुठ का बेड़ा गर्क कर दिता, गोश्त नहीं सही बनाया। तो दूसरा बंदा कहना तू मेरी शलवार दे पहुंच गया भी सत्यानाश करता। रब बड़ा तुम्हारा उल्टी स्ट्रॉबेरी जैसा मुंह है, क्यों मेरे पीछे पड़ गया? इधर देखो यार मेरी तरफ। हाँ नहीं यार, मुर्गी का दिल और उल्टी स्ट्रॉबेरी ठीक है। तानिसवार आदमी है, खुद तजिया कर लेता। मैंने कभी स्ट्रॉबेरी खाई नहीं, वरना मैं भी बता देता। ये तू क्यों बताता? मैंने स्ट्रॉबेरी खाई नहीं, तेरी शक्ल देख के यकीन होता है कि किसी फ्रूट के नजदीक निकल गया। सर इन पे एक इल्जाम बस कर दे बेटा, फिर कोई जुगत खाएगा नहीं बा जाएगा ये बोलने से, ये टीन का डड्डू। चंगा रे है ना, हुन मैनू गल कर लन दे। सर जी एक इल्जाम इन्हे ते उत्ते ए है, बुकिंग करन तो पहले एक फोन नंबर दे देंदे ने, जिदे इन्हां नू फोन करो ते फिर फोन नहीं चुकदे। बिल्कुल, ये भी देखने में आता है कि तुम लोग वादा कर लेते हो ईद के सुबह, तुम्हें वो लोग फोन करते हैं, तुम्हारा मोबाइल बंद होता है। यो वाकई ये आती है, जो कसाई से फोन देता है ना उसे तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इसको किस लिए फूंड दे रहे हैं? इस मोटे को तो दो तीन दफा फूंड लेके दिया, ये ऊपर मक्खन और जैम लगा के खा जाता है। तब तेरे जैसे चलाक बंदों के साथ यो ही होना चाहिए, सिर्फ फोन नंबर ही लेते जा रहे हो, साथ उसको को 500,000 रुपया एडवांस दोगे तो वो आएगा ना भाई। जिसे एडवांस ही नहीं मिला, सिर्फ फोन नंबर ही दिया उसने, उस पे पहले ही सब कर लो। ठीक है, लेकिन तुम वादा तो ना करो ना। तन्ने अच्छे और बुरे कसाई नजर नहीं आ रहे। मैं यो नहीं करता, मैं जिसके साथ वादा करता हूँ उसका करके आता हूँ बस। सर गोश्त बनाते हुए लोगों के नखरे आसमानों में चढ़े होते हैं, तरह तरह की बातें, कभी चाय ले आओ, कभी पानी ले आओ, कभी बोतल ले आओ। ना तेरे भी तो नखरे कम नहीं है ना, बड़ी टाई वाई लगा के कुत्तियों की दौड़ कर रेफरी बना हुआ। तो क्या माड़े माड़े बंदे को जुगते लगाई जा रहे हो, मैंने लाज जुगत फिर भी। ये वाकई सिपाही है या पीटर इंजन का पायलट है? लग रहे हैं भी पीटर इंजन का ड्राइवर। लवो फिर ब्रेक। तजिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आज हमारा मौजू स्टार फैमिली जो है, उस हवाले से हम एक शोबिज की स्टार फैमिली का ये कर करें। जी। आजकल हमारी नौजवान नस्ल तीन अली जो है उनको देखती है टीवी के ऊपर, एक अली सिकंदर, एक अली आगा और एक अली अब्बास। यंग तीनों हीरो हैं और आजकल बड़े माशाल्लाह हिट और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने सोचा कि चूंकि ये आजकल काम कर रहे हैं इसलिए इनके यहाँ से पीछे जाते हैं बजाय इसके के ऊपर से नीचे आए। ये तीनों अली कौन है? जी अली जफर के भाई है। नहीं यार, अली जफर के भाई जो हैं वो दाने आल जफर है, छोटा भाई है। हाँ जी हाँ जी, जिसने कोक स्टूडियो में गाना गा, बहुत क्यूट बच्चा है वो भी। हालांकि खुद दुबला पतला है, उसको कोक की बजाय डाइट कोक स्टूडियो में आना चाहिए। यानी इसको किसी की स्मार्टनेस भी बर्दाश्त नहीं। अजीजी से किसी की स्मार्ट शख्स को दूसरे की स्मार्टनेस ही बर्दाश्त होती। हद हो गई है, तुम्हें को क्यूट बंदा अगर सामने बैठा नजर आ रहा हो तो ना गुस्सा किया। अच्छा जी, ये अली आगा और अली सिकंदर ये दोनों भाई हैं सगे। अच्छा। और ये जो अली अब्बास है ये इनके मामू का बेटा है। अच्छा। अब ये दोनों भाई कौन है? ये आगा सिकंदर हमारे बहुत कमाल हीरो हुआ करते, वारिस वाले, वारिस वाले। ये दोनों उनके बेटे जवान उम्र में चल बसे थे। होय होय होय, इंतकाल हो गया था उनका। जो सही दिखने में ही हीरो नजर आते हैं कुछ लोग, ये उनमें से थे आगा सिकंदर साहब। और अली अब्बास जो है ये कौन है? ये वसीम अब्बास साहब के। और सब जानते हैं कि वसीम अब्बास साहब टेलीविजन का एक बहुत बड़ा नाम है। समुंदर में पहली दफा बहुत हिट हुआ था उनका रोल, वैसे तो पहले भी उनको लोग जानते थे। और एक बहुत बड़े नाम आए तो सैन भट्टी साहब के साथ ये बेटे हैं वसीम अब्बास साहब। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वसीम अब्बास साहब ने फिल्में भी की हैं बेशुमार, अच्छी फिल्में एज हीरो की हुई हैं। ये इनके अब वसीम अब्बास साहब के वालिद यानी अली अब्बास के दादा और अली आगा और अली सिकंदर के नाना,
ये जो आगा सिकंदर साहब हैं, ये वसीम अब्बास साहब के बहनोई थे। ये अली आगा और अली सिकंदर वसीम अब्बास साहब के भांजे हैं और अनैस सैन पट्टी साहब के नवासे। अनैस सैन पट्टी साहब एक बहुत बड़ा नाम है, गुलूकारी में भी, दानिश्वरी में भी, सूफियाना अदब जो है क्या उस हवाले से भी वो एक बड़ा मोतबर नाम, सियासत का भी नाम है। फिर उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है, मैंने कहा वो इलेक्शन हार गए थे, मगर बहुत मोतबर तादाद थी उनके वोटों की, बड़े अच्छे खासे उन्होंने वोट हासिल किया था। और वो लियाकत बलोच साहब के हाथों हारे थे और उसी इलेक्शन में मोहम्मद कवि खान साहब भी खड़े थे। हाँ, कवि खान साहब भी खड़े थे। और अनैसन पट्टी साहब जो है ना जी, उनका और आलम लोहार साहब का मैदानी जो थिएटर था ना जी, मैदानी गुलकारी, ओए होए होए हो, बड़ी मुकाबले पे टक्कर पे होती थी। और मुझे ये शर्फ हासिल है अनैसन पट्टी साहब के पास बैठने का। उन्होंने बताया कि लोग बड़े मौज मेले करते थे आके हमारे थिएटर के अंदर, और एक बहुत बड़ी इंटरटेनमेंट थी हमारा ये जो थिएटर लगते थे हमारे गाने के। अनैसन पट्टी साहब के एक भाई छोटे कफायत हुसैन पट्टी साहब, जिन्हें कैफी के नाम से याद किया जाता है। अच्छा, बड़े कमाल हीरो बहुत थे, बड़ा नाम है, डायरेक्टर बहुत बड़े एक्टर हुए हैं, उन्होंने भी बेशुमार फिल्में की हैं और डायरेक्टर बहुत अच्छे हुए जी सर, बहुत अच्छे डायरेक्टर, मतलब 32 फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया है और सारी सुपरहिट है उनकी। और कैफी साहब और अनैसन पट्टी साहब दो भाई एक फिल्म में, ये भी उनका रिकॉर्ड है, इतनी फिल्में भी किसी दो भाइयों ने नहीं की। बिल्कुल सही कहा। और फिर कैफी साहब के ऊपर अक्सर अनैसन पट्टी साहब के ही गाने पिक्चराइज होते थे। गो पट्टी साहब खुद भी हीरो बेशुमार फिल्मों में आया, पहली इनकी फिल्म थी हीर, फिर पट्टी साहब ने प्रोडक्शन बहुत बड़ी की है पट्टी पिक्चर्स के नाम से, जिस इश्तेहार पे लिखा होता था ना जी पट्टी पिक्चर्स पेश करते हैं, तो घर से ही सुपर हिट हो जाती थी, बड़ी बड़ी फैमिली ये हुई है। अच्छा यार, वसीम अब्बास साहब के साथ तुम्हारी बड़ी दोस्ती थी, तुम एक वाकया सुनाया करते हो कि जब वो एक बार घर से किसी बात पे नाराज होके गए तो उन्होंने किसी को भेजा कि घर से मेरा सामान ले आओ, तो तुम्हारी भाभी रोकेंगी बहुत ज्यादा, इसरार करेंगी कि मैंने सामान नहीं देना, लेकिन तुमने लेके आना जरूर, वो क्या बात थी? वो यार घर में हो जाते हैं लड़ाई, सौ मजबूरियां देकर, सौ मजबूरियां। तो वसीम साहब थिएटर आए घर से नाराज नरुई को होके, तो आगे अपने ड्राइवर को कहते हैं कि बात सुनो, जाओ घर जाके 5-6 जोड़े मेरे ले आओ और 2-3 जूतियां ले आओ, मैंने अब 2-3 महीने नहीं घर जाना। तुम्हारी भाभी कहेगी कि नहीं नहीं नहीं, उनसे कहो कि बस चलो जो हो गया जो होना था वापस आए, मिनते तरले करेगी, तुमने एक नहीं सुननी, तुमने कहना जी बस भाई मैनू मारनगे, तुसी दे दियो बस 3-4 जोड़े तो कम से कम दियो जरूर, तो लेके आने हैं तुम। तो बेचारा चला गया बंदा गड्डी लेके, उसने कहा जी अच्छा जी जाते हैं, जाके उसने बेल दी, भाभी ने निकल के पूछा हाँ भी क्या बात है, खैर है? कहते जी वो साहब कह रहे हैं कि मेरे 3-4 जोड़े दे दें और कुछ कपड़े दे दे, जूतियां दे दे, मैं ले नहीं आना। अच्छा, कहते अच्छा, अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद 3-4 वड्डी वड्डी पंडे नहीं होती डबल बेड की चादर उसमें उनके सूट लपेटे, एक पंड पेंट कोटा दी, एक पंड सलवार कमीज, एक पेंट पेंटा शर्टा दी, एक पंड जुतियां दी, सारे ले आ गए उन्होंने पंडा सुतियां पा, लगे लद पुत्र गड्डी से ते ले जा अपने साहब नु कमी कर रहा वो जी नी देर मर्जी रहा। वसीम साहब ने तो पंडा वेख के क्या होना, आफरीन है भाई। अपने एक दौर में अजीजी थे यार, हमारे तो उस्तादों में है वो, हमें तो उन्होंने बड़ा प्यार से सिखाया। यार उस्ताद अजीजी नहीं हो सकता। नाज़रीन ये था आज का हस्ब-ए-हाल, खुश रहें, खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह हाफ़िज़।